हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम है मॉर्निंग का और यहाँ पर अभी जो घर के काम है वो सारे निपट चुके हैं। अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, मतलब नहाने जाने से पहले भी मैं कुछ कुछ तैयारी कर देती हूँ ब्रेकफास्ट की, ताकि नहाने आने के बाद मेरे को ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर मतलब ये होता है तैयारी ना करनी पड़े, बस फटाफट मैं बना दूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और ये आशी की डिमांड में बन रहे हैं, क्योंकि वो इससे पिछले से बोल रही थी मम्मी आलू के पराठे। तो थोड़ा सा माइंड सेट रहे ना कि अगले दिन हमें ये बनाना है, तो तुरंत हमें पता रहता है कि ये बनाना है तो तुरंत क्या हम उबाल देते हैं। लेकिन अगर बच्चे 9-10 बजे बोलें तो फिर नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। इसलिए तो मैंने अभी यहाँ पर जो है आलू ले लिए हैं, इनको वॉश करके अच्छे से मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। और आपको बाहर के नज़ारे भी दिखा रही हूँ मैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगता है, हवा भी आती है ठंडी ठंडी, लेकिन उसके बाद तो फिर बहुत गर्म हो जाता है। तो बस आलू लेकर आई हूँ, इसे 3-4 बार वॉश करूँगी क्योंकि काफ़ी मिट्टी है इसमें, और फिर से नमक डाल के मैं बॉईल करने रख दूंगी। और मैंने अभी आपको जख्या दिखाया है, वो छन्नी में था जो, तो वो ना वैसे सूख चुका है पूरा अच्छे से, लेकिन आज मैं उसको एक बार और धूप लगा दूंगी और फिर मैं इसको किसी छोटे से डब्बे में मैं रख दूंगी और जल्दी ही इसका यूज़ करेंगे हम लोग। किसी भी सब्जी में इसको डालो, स्वाद बहुत अच्छा आता है। आपको पता है बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जीरा यूज़ ही नहीं करते, मैं यहाँ पहाड़ियों की बात कर रही हूँ, जो जीरा यूज़ ही नहीं करते अपने खाने में, उनके लिए जख्या ही जीरा का काम करता है। तो इसलिए जख्या हम लोग लेकर आ गए हैं। लेकिन किसी किसी सब्ज़ी में हम लोग डालते हैं, हर किसी चीज़ में नहीं डालते हैं, किसी किसी सब्ज़ी में जख्या हम ज़रूर से ऐड करते हैं। तो बस यहाँ पर जो आलू है वो हो चुके हैं, मतलब धुल चुके हैं, बस इनके मुझे अब रखना है उबालने के लिए। तो यहाँ पे जो घड़े का पानी है वो ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म होने को है, सिर्फ एक ग्लास इसमें रहा होगा, तो मैं वही यहाँ पे भर रही हूँ। और अभी जो टावल आप देख रहे हो ना, इस टावल को गीले करके मैं इसमें लपेट दूंगी। और इसका जो ढक्कन है ना, वहाँ पर हम लोग कपड़ा डाल देते हैं, क्योंकि रात को थोड़ा सा रहता है, वैसे तो कॉकरोच वगैरह अब नहीं है हमारे घर में, लेकिन फिर भी होता है कहीं छिपकली वगैरह ना आ जाए ना, ऐसा होता है, तो वो भिगा के मैं इसके मुँह पर बांध देती हूँ। तो वैसे जो उसका पानी है घड़े का, वो बहुत ठंडा तो नहीं हो रहा है, लेकिन होता है कि एक स्टोरेज का ही काम करता है, क्योंकि आज कल डाइट वगैरह बहुत जा रही है, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसलिए। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म आलू के पराठे, और हम लोगों ने इसे खाया था आम की लौंजी के साथ, मुझे इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। आशीष से अगोई मैंने इसके साथ ही दिया था, और मैं तो एज़ यूज़ुअल इसके साथ ही खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये बहुत पसंद आया इसलिए। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म हमारे आलू के पराठे बन रहे हैं, और बहुत स्पाइसी, मैंने इसमें हरी मिर्ची बहुत डाली है, आज बच्चों के लिए नहीं डाली है, अपने लिए डाली है, आपको हरी मिर्ची दिख भी रही होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और 1:15 बज गए, अभी मैं आई हूँ किचन में दाल जो है तड़का लगाने के लिए। और वैसे सच बताऊँ तो वैसे भूख नहीं है बिल्कुल भी, और मैं बहुत कम खाना बनाऊंगी आज, मैंने सोच लिया है, क्योंकि आज मम्मी चावल तो खाएंगे नहीं, क्योंकि एकादशी मम्मी रोटी खाएंगी, तो चावल मैं बहुत कम बनाऊँ, क्योंकि आशी और सिया बहुत कम खाना खा रहे हैं, पता नहीं क्यों, गर्मी से खा रहे हैं। आशी तो खैर इसलिए खा रही है क्योंकि वो देर में नाश्ता करती है, उसको 10:30 बज जाते हैं, और सिया भी कम ही खाती है, पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से भूख नहीं लग रही है। और आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे, वो वैसे ही हैवी हो गए, तो मैं बहुत कम बनाऊंगी मैंने सोचा है, क्योंकि रोज़ रोज़ चावल थोड़े थोड़े बच रहे हैं ना, वैसे शाम तक हमारे यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शाम को चावल चाहिए थोड़े बहुत, लेकिन थोड़े बहुत ही बचे, इतना ही बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर ये आम लिए हैं मम्मी ने, इसको अच्छे से 2-3 बार वॉश करके भिगाने रख दिए हैं, क्योंकि गर्मी से ना ये भी गर्म हो रखे हैं बिल्कुल, तो इसको अच्छे से आधा घंटा इसको हो गया है, आधे घंटे में भिगा के मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि ठंडे ठंडे हो जाए। और ये वाले आम इतने मीठे हो रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ये दशहरी आम है शायद से वो ये, तो बस आटा तो बचा हुआ है, मम्मी लेकिन मना कर रही है कि मैं जो रोटी बची हुई पहले की वही खा लूँगी दाल के साथ, तो मैंने यहाँ पे लहसुन वगैरह भी कट कर दिया है। और गर्मी तो आप पूछो मत कितनी बार बोल दिया, बहुत गर्मी है, तो हमने यहाँ पे पर्दे पुर्दे सब लगा दिए इसलिए, ताकि जो थोड़ा सा जैसे आता है ना गर्मी की भाप आती है वो ना आए इस वजह से। और हमारा घड़ा देखो, इस घड़े का पानी कोई नहीं पी रहा है कोई नहीं पी रहा है, क्योंकि इतना गर्म हो गया ना, तो घड़ा का जो पानी है ठंडा है, लेकिन फ्रिज की जैसा ठंडा नहीं है, तो इसको कोई पी नहीं रहा है, मैं लेकिन इसका पानी पी रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रिज का बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रही हूँ, मैं इसी का पानी पी रही हूँ।
तो गीला कपड़ा करके रखा था, लेकिन ये सूख चुका है, दोबारा से रख दूंगी। तो इसमें पानी मैंने सुबह ही भरा था इसलिए। तो चलिए दाल वगैरह जो है तड़का लगा देती हूँ मैं, और उसके बाद मेरे थोड़े बहुत कपड़े हैं वो भी फोल्ड करूँगी। तो कपड़े तो रोज़ ही धुलते हैं थोड़े थोड़े करके ना, लेकिन वो फोल्ड नहीं करे थे मैंने, तो इसलिए वो फोल्ड भी करना है मुझे। तो चलिए दाल चढ़ा वो करते हैं, दाल में तड़का लगाते। तो ये देख रहे हो आप, मैंने कितनी थोड़ी सी दाल बनाई है, मैंने जानबूझ के थोड़ी सी बनाई है क्योंकि बचे ना, और ये टमाटर तो अभी मैश हो जाएंगे, मैंने ऐसे काट के डाल दिए थे, तो इसलिए कम ही बना रही हूँ मैं। बल्कि सोची थी और कम बन जाए तो ठीक है, क्योंकि फिर बच बच के ना बहुत बच जाता है, फिर गर्मी में ज़्यादा बचा हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए, डर लगता है फूड पॉइजनिंग वगैरह का। और ये पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, ये वाइट वाइट सा निकल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है ये। तो चलिए, और ये आलू के पराठे हैं, तो ये कुछ बच गए, हस्बैंड ने एक ही खाया था और आशी ने डेढ़ खाया था, तो ये बचा है, अभी थोड़ी देर में खा लेंगे। तो मम्मी ने हॉट केस से निकाल के ना इससे कर दिया ताकि गर्मी में कहीं ख़राब ना हो इसलिए। और यहाँ पे अभी मैंने दाल में जो है तड़का लगा दिया है, और यहाँ पर आई हूँ मैं घड़ी में सेल लगाने के लिए। ये घड़ी एक्चुअली एक दिन से ही ख़राब है, लेकिन इसमें क्या हुआ, जब मैंने इसे घड़ी यहाँ से निकाली ना तो ये घड़ी चलने लगी, तो मैंने क्या करा कि जो टाइम है वो सेट करके रख दिया, और मैंने सोचा चलो अभी चल रही है ये ठीक है, लेकिन जब सुबह देखा तो ये बंद हो गई थी, यानी कि इसके सेल ढंग से अच्छी तरह से ख़राब हो चुके हैं, तो वो मैंने हटा दिया। अब दूसरा सेल मैं इसमें लगा रही हूँ, और हमने ये दिवाली पे क्योंकि गिफ्ट आया था तो दिवाली पे हमने घड़ी जो है यहाँ पे लगाई थी, और दिवाली के बाद अब इसका सेल जो है ख़त्म हुआ है, तो इसलिए। और ये घड़ी ना हमारी वॉल से बहुत मैच करती है, वाइट के साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन, हमारी वॉल भी ऐसी है, इसलिए यहाँ पर जो पहले वॉश मतलब घड़ी थी ना वो यहाँ से हटा के हमने कहीं और रख दी थी, तो अभी टाइम इतना हो रहा है तो बस करेक्ट उतना ही मैंने मिला दिया, क्योंकि जो मिनट की सुई होती है ना वो लगानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हर कमरे में क्या होता है कभी कभी एक मिनट दो मिनट इतना अंतर रह ही जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि सारे जगह पे एक जैसा ही टाइम रहे तो ठीक रहता है। तो बस सेल लगा दिए हैं, और यहाँ पर हमारी घड़ी जो है बिल्कुल चकाचक ठीक हो चुकी है। तो यहाँ पे जो दाल है वो अच्छे से बॉईल कर रही हूँ मैं, और मैंने थोड़ा पतली रखी है दाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पतली ही अच्छी लगती है, और गाढ़ी गाढ़ी दाल ना सच बताऊँ खाई भी नहीं जाती है, इसलिए मैं थोड़ा पतली रखी। अभी बॉईल होगी अच्छे से ये तो ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर सिया देखो क्या करने लगी है, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, नींबू। तो यहाँ पर सिया की दादी ने इनको इतने बड़े बड़े गिलास भर के नींबू पानी पिलाया, फिर दोबारा से नींबू पानी पीना है कि सारे नींबू ख़त्म कर दिए इन्होंने, रोज नींबू पानी बना रही है सिया। है सिया है बच्चे बच्चा क्या बोल, अब जल्दी क्या बोल रही, तेज की बोला कर, बच्चे हैं। अच्छा अच्छा नींबू बोल रही, बहुत बच्चे हैं तो खत्म कर दो नींबू पानी बना बना के। आशी यहाँ पे अपने लिए भी एक गिलास ले आई है, हम बना रही बेटा, वो अच्छा बनाती है, चीनी पीसी हुई रखी हुई दादी ने, दादी ने चीनी रखी हुई है यहाँ पे, ये रही बेटा इतनी बड़ी होगी बना, खोल इसको, इसको खोल, अब अच्छा करता है। मम्मी ने चीनी पहले पीस के रख दी थी, तो इसमें ना नींबू पानी फटाफट बन जाएगा इनका। दे वो नींबू दे, आधा वाला मेरे को दे दे, इसी आशी जिद कर रही है, आप बनाओ आप बनाओ। ये नींबू इतना अच्छा है ना, इतना रस है इनमें, ये देखो ज्यादा ही नहीं रहती है, नहीं ज्यादा नहीं है, ज्यादा है पानी बोल रही है, पानी तूने ज़्यादा डाल दिया ना। तो यहाँ पे देखो ये पसीने आप देख रहे हो, बाप रे ये वाला टपक रहा है जैसे हम देखते नहीं है, ये देखो बाप रे ऐसे पसीने आ रहे हैं, मतलब तो आप लगा लो कैसी गर्मी हो रही है, पूरा मेरे गले में पसीने पसीना हो गया है, इतना गर्म हो रहा है। यहाँ पे हो चुका है शाम का टाइम, उसके बाद मतलब जैसे लंच मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, और दिन का टाइम तो गर्मियों में ऐसा होता है कि रेस्ट चाहिए ही चाहिए। सर्दियों में क्या होता है, हम लोग धूप में बाहर बैठ जाते हैं, छत में चले जाते हैं, लेकिन गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं कि
मतलब अंदर ही अंदर रहते हैं और फिर नींद भी आती है क्योंकि दिन बड़े होते हैं, तो इसलिए रेस्ट ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैंने पर्दे वगैरह खोल दिए ड्राइंग रूम के, और साथ में ही मैंने सोफे जो है वो भी अच्छे से झाड़ दिए हैं, क्योंकि आशीष या थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जो है टीवी देखते ही देखते हैं, तो वैसे तो वो नीचे लेट रहते हैं लेकिन सोफे के इतना जो कुशन है वो पता नहीं क्यों इधर से उधर हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो वही है, यहाँ पर मैं चाय भी बना रही हूँ और मैंने जो दिन के बर्तन हैं वो भी मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। यहाँ पर ये वाली विंडो है जो मैं खोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से ना आप शाम के टाइम बहुत अच्छी हवा आती है, तो अभी शायद से 6 बज गए होंगे तो यहाँ से जो है हवा आ जाए अंदर की साइड, इसलिए ये वाली जो विंडो है हम लोग खोल देते हैं। वैसे ये वाली हम लोग हमेशा आपने देखा होगा बंद ही रहती थी, लेकिन गर्मियों में हम लोग खोलते हैं इसको। और यहाँ पर जो चखिया मैंने आपको इतने दिनों से दिखा रही हूँ ना चखिया, तो ये चखिया जो है फाइनली अच्छे से सूख चुका है। अब इसको छोटे से कंटेनर में डालने का टाइम आ गया है, और अब जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और चखिया मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे ना कैसा होता है, तो चखिया मैं अभी आपको पास से दिखाऊँगी। इस तरह का होता है चखिया, मतलब होता तो ये राई के दाने की तरह है लेकिन राई का दाना नहीं होता है, वो बहुत गोल होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा गोल नहीं होते हैं, इस टाइप का होता है चखिया। तो आप किसी भी जनरल स्टोर पर बोलोगे ना तो आपको आसानी से चखिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं कह रही हूँ आज सिया के बाल जो है कट कर रही हूँ, तो आप सोचोगे आज पूजा को क्या हो गया, एक दो दिनों से अपने बच्चों के बालों के पीछे पड़ गई है, तो ऐसा नहीं है। इन आशी को तो खैर बहुत था कि मुझे अपने बाल कटाने हैं कटाने हैं, सिया बिल्कुल उसका अपोजिट है, वो बोल रही मेरे को मेरे बाल मत काटो, अगर काट रहे तो बहुत कम काटना, मतलब वो अपने बाल जो है ना वो बहुत छोटे नहीं करना चाह रही है। मैं उसको बोल रही थी और काट देती हूँ लेकिन वो मना कर रही थी। वैसे ये जो बाल ऐसे है ना ये मेरे हस्बैंड जो है ट्रिमर से कट कर देते हैं, मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन ये अभी घर पर थे नहीं तो फिर मैंने कहा फिर रात हो जाएगी, फिर रात को क्या ही मैं बाल काटूँ, और अब नेक्स्ट डे जो है वो है ट्यूसडे है तो वैसे ही बाल नहीं कटने हैं। तो यहाँ पर मैंने भगवान का नाम लेके मैंने कहा चलो मैं ही इसके बाल जो है काटती हूँ, तो यहाँ अच्छे से स्प्रे कर देते हैं इसके बालों में, और थोड़े थोड़े बाल जो एक्स्ट्रा जो इसके लेंथ से जो नीचे वाले बाल होते हैं ना वो बिल्कुल दो मुँह बाल उड़ते और रूखे से उड़ते, तो बस उतना ही मैंने इसके बाल ट्रिम करे हैं। तो क्योंकि ये मना कर रही थी मेरे बाल छोटे मत करना, फिर भी अपने हिसाब से मैंने एक उंगली के बराबर तो इसके बाल कट कर ही दिए थे। तो और फ्रंट से भी मैं इसके बाल जो है थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये बोल रही थी जैसे आशी काटे वैसे करो। एक्चुअली होता क्या है कि अभी वो छोटी है लेकिन जैसे आशी बड़ी है ना तो वो आशी को देखती है, तो जैसे जैसे आशी करती है उसको होता है कि हाँ मतलब ऐसे ही होता है, जबकि आशी अपने इतनी एज में कुछ अलग उसका नेचर था और अभी कुछ अलग है, लेकिन सिया उसको हमेशा से देखती आ रही है बड़े होते हैं, तो उसका नेचर आशी से मैच होता है। नेचर मीन्स कि मतलब चीज़ें देखने का जो नज़रिया होता है ना बहुत चेंजेस जैसा हो गया है, और ऐसा होता ही है देख देख के बड़े बहनों को या बड़ी बहनों को देख के या बड़े भाई बहन को देखकर छोटे वाले थोड़ा सा वो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट में मैंने भी उसके बाल कट कर ही दिए और उसको बहुत अच्छे लगे, मैं सोचती थी कहीं वो चिड़चिड़ ना करे लेकिन उसको बहुत अच्छे लगे। अभी जब स्कूल आएगी तो इसके पिनअप उधर करना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन अभी अच्छे लगे उसके बाल उसको, और यहाँ वो शर्मा रही थी दिखाते हुए। बाल जो है कट चुके हैं दिखाओ सिया, ये देखो तो ये सिया के बाल है, सिया अच्छे लग रहे बाल अपने हैं, और इसको देख के आशी बोल रही मम्मी आपने इसके बाल अच्छे काटे हैं, तो ये देखो दिखा पीछे दिखा, तो मैं इसके बाल थोड़े छोटे कर दिए, इसके बाल यहाँ तक थे इतने कट कर दिए मैंने, और ऐसे करके अभी गीले हैं थोड़ा इसके बाल, और फ्रंट से मैंने अपने आप से इसके बाल ऐसे कर दिए, अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे लग रहे ना, और यहाँ पे देखो हवा कितनी अच्छी चल रही है, शाम को गर्मी से राहत मिल रही है, और मम्मी यहाँ पे जो है पानी डाल रही है पौधों में। तो बस क्योंकि पौधे भी ना सूख जा रहे हैं एकदम से धूप में, तो मम्मी और पापा जो है पानी डाल रहे हैं, पापा भी डाल रहे हैं पीछे, हाँ तो आगे पानी मम्मी डाल रही है पीछे पापा डाल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसी है वो, तो लो मम्मी हाय बोल दो सबको। कैसे हैं आप लोग, है ना सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। हाँ सही है, पानी डाल रहे हैं इनको भी।
पानी की जरूरत है ना। हाँ। भी प्राण है, इनको भी पानी चाहिए, इनको दो टाइम पानी पिलाना जरूरी है, तभी यहाँ खिलते हुए नजर आते हैं। हाँ, वही तो, तभी इतने सुंदर लगते हैं इनको, थोड़ा पानी ये भी पानी। कैंडी नहीं नहीं तेरी तो, कैंडी को भी नहला दिया है, और इसको ना अभी इसलिए बांधा हुआ है, कहीं आप बोलोगे बांधा हुआ है, क्योंकि फिर पीछे भाग जाएगी ना, इसलिए तो बस हवा, हमने पंखा खोला हुआ है इसके लिए, तो ये पंखे में बैठी आराम से। कैंडी कैंडी ले, कैंडी ले, चलो घूमे घूमे, नहीं नहीं करी, नहीं नहीं करी। और यहाँ पर ना अभी मैं कपड़े जो हैं वो फोल्ड कर रही हूँ, और ये 2-3 दिन पहले के कपड़े हैं, मतलब कुछ कुछ थोड़े थोड़े कपड़े जो हैं धुल रहे थे, और मैं अंदर लाके ऐसी रख दे रही थी, फोल्ड नहीं कर रही थी मैं, बस ऐसी रखे जा रही थी, और वहाँ पर इतना ढेर हो गया था, तो आज मैंने सारे के सारे कपड़े जो हैं फोल्ड कर दिए हैं, रख दिए हैं। एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, सच्ची में करने हैं काम लेकिन मन नहीं होता है, तो अब ये कर दिया। सिया जो है पता नहीं कुछ खा रही थी, पराठा वगैरह कुछ खा रही है वो, और बस सारे फटाफट से स्पीड में आपको दिखा दिए, सारे के सारे कपड़े जो है मेरे फोल्ड हो चुके हैं। और यहाँ पर अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो वैसे तो खाना कुछ और बन रहा है हमारे घर में, लेकिन आज बोसिया के लिए मैं यहाँ पर जीरा राइस बोल रही हूँ, ये लेमन राइस बना रही हूँ मैं उसके लिए। हम लोग ना एक्चुअली खिचड़ी बना रहे हैं आज, और सिया को खिचड़ी पसंद है, खा लेती है, अगर वो बन गई है तो खा ही लेती है, लेकिन आज वो बोल रही थी मम्मी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, खिचड़ी मेरे लिए पुलाव बनाओ, तो फिर मैंने कहा दो दो चीज़ें तो मैं नहीं बना सकती हूँ, तो दिन में जो चावल बचे हुए थे ना लेफ्ट ओवर थे, वो मैं यहाँ पर उसके लिए लेमन राइस बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें जो मूंगफली है उसको मैंने फ्राई करके निकाल दिया था, और ये लेमन राइस ना मैंने एक बार पहले भी बनाया था इनके लिए, स्कूल में दिया था, तो इन दोनों को बहुत पसंद आया था, तो वही मैं उसको पूछा तो उसने कहा कि हाँ मम्मी वही बना दो, तो मैं वही बना रही हूँ। तो ऑयल गर्म हो गया था, इसमें मैंने जो सरसों के दाने वो ऐड कर दिए थे, 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें जो उड़द दाल होती है वो ऐड कर दी थी, चने की दाल नहीं थी तो वो रहने दी थी मैंने, हींग इसमें ऐड कर दिया है, कड़ी पत्ता, एक लाल मिर्च ऐड कर दी है, और थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया है, प्याज तो वैसे इसमें नहीं जाता है, लेकिन आशिया ने मेरे को बोला कि मम्मी आप इसमें प्याज डालना, तो मैंने थोड़ा सा प्याज, एक छोटा सा प्याज ले लिया है, और उसको मैं अच्छे से ना मिला मतलब वो कर लूँगी, पका लूँगी, ऐसे ब्राउन तो नहीं करूँगी लेकिन हल्का सा पका लूँगी इसको मैं, और जब थोड़े से जो है प्याज हो जाएंगे तो मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी। इसमें मसाले कुछ जाते नहीं है, सिर्फ हल्दी ही इसमें जाता है, तो हल्दी ऐड कर दूँगी, और यहाँ पर मैंने जो चावल दिन के बचे हुए थे सारे ही इसमें ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद मूंगफली भी ऐड कर दूंगी, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लूंगी मैं, और उसके सबसे मतलब सबसे लास्ट में मैं इसमें नींबू का रस ऐड करूंगी, क्योंकि लेमन राइस है, बिना लेमन के तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने ढककर इसको 2-3 मिनट के लिए पका लिया था, और लास्ट में मैं इसमें नींबू का रस भी ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा गिर गया एक्चुअली, ये वाला जो ये होता है ना कड़ची होती है, इससे ना मेरे को घुमाया नहीं जाता क्योंकि आदत नहीं है इतनी, थोड़ा गिर ही जाता है, तो आपने देखा मैंने इसमें आधा नींबू का रस जो है वो ऐड कर दिया है, मिक्स कर लूंगी और गैस ऑफ कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा चलाने से फिर ये कड़वा कड़वा टेस्ट देता है इसलिए। और यहाँ पर जो लेमन राइस है वो रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छे उड़ते हैं, ये सिया ने खाए थे और मैंने खाए थे, आश ने तो खिचड़ी खाई थी, उसको खिचड़ी खाने का मन था इसलिए, तो ये है हमारे लेमन राइस। और अपने इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, पहले बहुत सारे लोग कर रहे थे लेकिन आजकल वो ब्लॉग देख लेते हैं मुझे लगता है, लेकिन कमेंट करना भूल जाते हैं, तो कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।